निरंकारी सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के प्रथम बार भरतपुर आगमन पर 10 फरवरी को हो रहे निरंकारी संत समागम की नुमाइश मैदान में तैयारी शनिवार को पूरी हो गई है। इसमें मथुरा के निरंकारी भक्तों का विशेष योगदान रहा। प्रवक्ता किशोर स्वर्ण ने भरतपुर में प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी संभाल ली है। वहीं मथुरा के संयोजक हरविंद्र कुमार, सेवादल संचालक मोहन सिंह और शिक्षक अशोक दयालु के नेतृत्व में मथुरा के सक्रिय कार्यकर्ताओं की अलग अलग टीम ने शनिवार को समागम के पंडाल को सजाने में अंतिम रूप दिया। सेवादल के सदस्यों और भक्तों ने मिलजुल कर मैदान को समतल किया ताकि बाहर से आने वाले भक्तों को कोई असुविधा न हो। प्रेस प्रवक्ता किशोर स्वर्ण ने बताया कि निरंकारी संत समागम भरतपुर के नुमाइश मैदान में 10 फरवरी को दोपहर 2 बजे से होगा। समागम में निरंकारी सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का संबोधन होगा। समागम में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के हजारों भक्तों की भागीदारी रहेगी। भक्तों को भरतपुर ले जाने के लिए रविवार को मथुरा के दोनों निरंकारी भवन से बसें जाएंगी। वहीं सैकड़ों भक्त अपने वाहनों से भरतपुर रवाना होंगे। भरतपुर में हो रहे निरंकारी संत समागम की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और यहां पर भरतपुर के निरंकारी भक्तों के साथ साथ मथुरा के भी निरंकारी सेवादल जुटे हुए हैं और यहां पर सेवादल के संचालक श्री मोहन सिंह और शिक्षक श्री अशोक दयालु के नेतृत्व में तमाम निरंकारी भक्तों के साथ सेवादल भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और जो जगह जगह पर बारिश के कारण पानी भर गया था उसको निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है और मैदान बराबर किया जा रहा है। साथ में जो यहाँ के भरतपुर के संयोजक हैं श्री शेर सिंह और मथुरा के संयोजक हैं श्री अरविंदर कुमार, दोनों के नेतृत्व में संगतें भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। इस तरीके से 10 फरवरी को होने वाला यह निरंकारी संत समागम सभी को एक मानवता का संदेश देगा और सभी को प्रेम भाईचारे की सीख देगा। यहाँ पर सद्गुरु माता सुदीक्षा जी सभी को निरंकारी मिशन के माध्यम से परमपिता परमात्मा से जोड़ने की सीख।